गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 मात्राएं। मात्राएं आपने पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी है और समझ रखी है। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आपने स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ रखे हैं। स्वर होते हैं अ आ ई ई और व्यंजन होते हैं क ख ग घ। ये हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं हमारे पास। और मात्राएं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मात्राएं। मात्राएं क्या होती है, मात्राओं की जो परिभाषा है वो क्या है, चलो हम पढ़ते हैं। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो इनके चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। समझ आया बच्चों? जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं, जब ये स्वर इस व्यंजन के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो इनके चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं, ये चिन्ह मात्रा कहलाती हैं। ए आ ई ई उ ए ऐ ओ औ, ये सारे स्वर हैं। स्वरों की सहायता के बिना शब्द नहीं बनते हैं। आपको पता है स्वरों के बिना शब्द अधूरे होते हैं। और स्वरों के साथ, स्वरों की मात्राएं व्यंजन के साथ लगाई जाती हैं। चलो हम कुछ मात्राएं पढ़ते हैं। ये हमारे स्वर हैं, ये हमारी मात्राएं हैं स्वर की, और इनसे बने हुए ही मात्राओं के शब्द हैं। पहली है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसके सिर्फ शब्द होते हैं कल जल घर। फिर आ की मात्रा, आ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है शब्दों पर काल जाल, इसके बने हुए शब्द हैं। ई की मात्रा मिल खिल, बड़ी की मात्रा में थोड़ा जोर लगा के बोला जाता है कड़ी बड़ी। उ की मात्रा, ये छोटे उ की मात्रा है खुल कुल, बड़े उ की मात्रा में थोड़ा जोर लगा के बोला जाता है मूल कूल। ये हमारी री की मात्रा है मृग तृण। ए की मात्रा मेल तेल, ऐ की मात्रा मैल शैल, ओ की मात्रा है मोल तोल, और औ की मात्रा है कौर सौर। ये हमारे सारे स्वरों की मात्राएं हैं, उससे बने हुए शब्द हैं। इसके अलावा हमारी ये मात्राएं होती है अंग की मात्रा कंगन जंग, ये होती है अनुस्वार जिसे चंद्रबिंदु की मात्रा कहते हैं अंगना सवर्णा, और ये अह की मात्रा अतः प्रातः। ये सभी मात्राएं आपको घर पे पढ़नी है और समझनी है, ठीक है बच्चों? जिन बच्चों को स्वर और व्यंजन समझ में नहीं आते हैं वो एक बार स्वर और व्यंजन भी बुक से पढ़ेंगे, और उसकी मात्रा की परिभाषा आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है? और ये मात्राओं का जो ये चार्ट बना है ये आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से बनाना है। ओके।